शुरू से उसका लगन था, उसका मन था क्रिकेट खेलने का। परिवार के लोगों ने, सभी लोगों ने सहयोग दिया जी। सभी बड़ों का आशीर्वाद उसके साथ है, अच्छा खेल रहा है और मुझे लगता है कि भविष्य में भारत का नाम ऊंचा करेगा। शुरू से ही इसका लक्ष्य था क्रिकेट खेलना जी। क्रिकेट शुरू से छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करके दरवाजे पर दिन भर बॉलिंग बैटिंग अपना करता रहता था, घर पे यहीं पे, हाँ यहीं पे खेलता था। उसके बाद पढ़ाई किया, मैट्रिक तक पढ़ा, मैट्रिक के बाद उसका एडमिशन हुआ शाहबाग इंटरनेशनल स्कूल रोहतक में जी। वहाँ 2 साल क्रिकेट खेला, वहाँ से खेल करके आया। 2 साल के बाद उसका एडमिशन हुआ पटना, रोबिन सर थे वो अपने पास रख करके उसको 2-3 साल खिलाए। उसके बाद टुन्नागिरी एकेडमी खुला यहाँ गोपालगंज में, पटना से आया। उसके बाद टुन्नागिरी एकेडमी में यहाँ साकेत जी हैं, साकेत जी के देख रेख में वो खेल रहा था। अभी उन्हीं के देख रेख में वो U23 में गया है। दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता ही है, पास हो जाए तो भी दुख होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जब पिताजी थे विधायक जी तो बहुत सपोर्ट करते थे। हाँ, उसको बचपन से मतलब बहुत मानते भी थे। जब आते थे गोपालगंज से तो उसके लिए चॉकलेट वगैरह सब कुछ स्पेशल लेके आते थे, और वो ढाला है वहाँ से हॉर्न उनका सुन लेता था कि पापा जी आ गए, तो दौड़ के बेचारा एकदम जाता था, और बहुत मानते थे उसको। क्रिकेट के प्रति उसका इतना लगाव था जिसके बदौलत वो आज इतना आगे गया है। बहुत बार ऐसा हुआ कि वो बंदा लड़का अकेले ही मैच जीता दिया। हाँ, बहुत बार ऐसे हुआ कि एक तरफ से चेस करके काफी अच्छा मतलब बैटिंग करके और वो मैच को जीता देता था। यहीं पे छोटे छोटे बच्चों को जो है पकड़ के लाते थे गाँव में और बॉल फेंकवाते थे और खेलते थे। जी जी जी, वो यहीं पे उनका विकेट लगा रहता था, यहाँ से धर के हम लोग का बॉल फेंकवाते थे, खेलते थे, बहुत मेहनत करते थे। बिहार स्टेट के लिए क्रिकेट में चुने गए हैं U23 में, यह तीसरे व्यक्ति हैं। पहले आप मुकेश सिंह को देखा, उसके बाद साकिब हुसैन को देखा, और ये तीसरे व्यक्ति उत्कर्ष सिंह हैं। आज मैं उन्हीं के पैतृक आवास पे मौजूद हूँ और उनके परिवार के लोग हैं, काफ़ी खुश हैं ये लोग। और यह एक और खुशी की बात है कि ये जो पूर्व के विधायक जी थे हमारे सुभाष सिंह जी भाजपा के, उन्हीं का यह आवास है और उन्हीं के भतीजे का यह सिलेक्शन जो है बिहार स्टेट क्रिकेट में U23 में हुआ है। बच्चों को लोग खेलने से मना करते हैं कि जीवन बर्बाद हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई पे फोकस करना चाहिए, लेकिन ये लगातार तीसरे व्यक्ति हैं आपके बेटे। शुरू से ही इसका लक्ष्य था क्रिकेट खेलना जी। क्रिकेट शुरू से छोटे छोटे बच्चों को पकड़ करके दरवाजे पर दिन भर बॉलिंग बैटिंग अपना करता रहता था, घर पे यहीं पे, हाँ यहीं पे खेलता था। उसके बाद पढ़ाई किया, मैट्रिक तक पढ़ा, मैट्रिक के बाद उसका एडमिशन हुआ शाहबाग इंटरनेशनल स्कूल रोहतक में जी। वहाँ 2 साल क्रिकेट खेला, वहाँ से खेल करके आया। 2 साल के बाद उसका एडमिशन हुआ पटना, रोबिन सर थे वो अपने पास रख करके उसको 2-3 साल खिलाए। उसके बाद टुन्नागिरी एकेडमी खुला यहाँ गोपालगंज में, पटना से आया। उसके बाद टुन्नागिरी एकेडमी में यहाँ साकेत जी हैं, साकेत जी के देख रेख में वो खेल रहा था। अभी उन्हीं के देख रेख में वो U23 में गया है। अच्छा, तो साकेत जी उसको बहुत मानते हैं, उसका चाबी एकेडमी का दे देते हैं उसी को। अच्छा, कि तुमको जब मन करे, जब इच्छा करे आकर के इसमें खेलते रहो। हाँ, पढ़ाई लिखाई भी साथ में चल रहा है। पढ़ाई भी चल रहा है साथ में। मतलब आप लोग को कोई रोक टोक नहीं था ना? नहीं, कोई दिक्कत उसको नहीं हुआ। हम लोग भी सपोर्ट किए, मैंने इसलिए सपोर्ट किए कि पढ़ाई और खेल दोनों उसका बढ़िया था। है, दोनों बढ़िया है। नहीं, बहुत सारे गार्जियन को लगता है कि समय पर अभी भी M.Com फर्स्ट ईयर का परीक्षार्थी है वो। हाँ, M.Com कर रहा है फर्स्ट ईयर का। अच्छा, अच्छा, आपके जिले से, गोपालगंज जिले से ये तीसरे बेटे आपके क्रिकेट में गए हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि गोपालगंज का नाम रोशन करेगा। 2 लड़का और पहले से गया है जी। और तीसरा ही हुआ, गोपालगंज का नाम बढ़ेगा, हमारे गांव का नाम बढ़ेगा।
अच्छा, ये क्रिकेट जब ये खेलते थे तो विधायक जी का कैसा सपोर्ट रहता था? विधायक जी का तो फुल सपोर्ट था। विधायक जी तो हमेशा इसको बोलते थे कि तुम जितना खेलना है खेलो, उनका सपोर्ट रहता था। वो जाकर के सहभाग में वहाँ जाकर विजिट किए थे, सब देखो करके आए थे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम श्रीनिवास सिंह। आप उत्कर्ष के भैया हैं जी। कितनी खुशी है आप लोगों को? बहुत खुशी हुई, और सिर्फ हम ही लोगों को नहीं, पूरे गांव को, पूरे जिले को, पूरे बिहार को इस पे हर्ष है जी। और शुरू से उसका लगन था, उसका मन था क्रिकेट खेलने का। परिवार के लोगों ने, सभी लोगों ने सहयोग दिया जी। सभी बड़ों का आशीर्वाद उसके साथ है। अच्छा खेल रहा है और मुझे लगता है कि भविष्य में भारत का नाम ऊँचा करेगा। बहुत खुशी की बात है जी। कि मेरे गाँव का लड़का Under-23 में सिलेक्शन हुआ है, बहुत खुशी की बात है। बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं, उसका बहुत लगन था क्रिकेट में। द्वार पर ही ग्राउंड बना के वो खेलता था बच्चों के साथ, यहाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ। क्रिकेट के प्रति उसका इतना लगाव था जिसके बदौलत वो आज इतना आगे गया है। ये है विधायक जी के बेटे और आपके भाई है। कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। खुश है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा परिवार खुश है, पूरा सभी लोगों का आशीर्वाद उसके साथ है जी। और हम लोग को उम्मीद है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके देश का, हमारे परिवार का, सबका नाम रोशन करेगा। अच्छा, सुनने में आया कि आपके जो पिताजी थे विधायक जी, बहुत मानते थे, बहुत सपोर्ट करते थे। हाँ, उसको बचपन से मतलब बहुत मानते भी थे। जब आते थे गोपालगंज से तो उसके लिए चॉकलेट वगैरह सब कुछ स्पेशल लेके आते थे, और वो ढाला है वहाँ से हॉर्न उनका सुन लेता था कि पापा जी आ गए, तो दौड़ के बेचारा एकदम जाता था। और बहुत मानते थे उसको, और खेल से और पढ़ाई में कभी उसको मतलब ये नहीं हुआ कि प्रेशर है कि नहीं तुम मत खेलो, पढ़ाई तुम्हारा डिस्टर्ब होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसको हमेशा से सभी सदस्यों ने, सभी लोगों ने बहुत माना है, ऐसा कभी किसी ने रोका नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेलता था। और उसका हुनर देख के और उसका टैलेंट देख के हम लोग को उम्मीद था कि एक ना एक दिन ये लड़का निकलेगा। आप चाहे गांव में किसी से भी पूछ लीजिए उसके बारे में, सब लोग यही बोलेगा कि जितना अच्छा होनहार खिलाड़ी था वो, उसका एक ना एक दिन सिलेक्शन होना तय ही था। बहुत बार ऐसा हुआ कि वो बंदा लड़का अकेले ही मैच जीता दिया। हाँ, बहुत बार ऐसे हुआ कि एक तरफ से चेस करके काफ़ी अच्छा मतलब बैटिंग करके और वो मैच को जीता देता था एक तरफ से ठीक के। तो आप लोग अभी खेलते हैं कि छोड़ दिया क्रिकेट? खेलते हैं, अजय मतलब ग्राउंड पे जाके खेलते हैं। क्रिकेट का है, हमारे गाँव में है क्रिकेट का, तो मैच होते रहता है। मैं बचपन से अभी तक साथ में खेलते आए हैं। फिर अभी हम लोग 2-3 साल पहले से हम अपना एडमिशन करा लिए, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। भाई बचपन से अभी तक उसमें लगे रहेंगे। हाँ, जब प्लास्टिक का बल्ला मिलता था तब से होता था ना कि एक हुनर होता है उनके अंदर, वही हुनर अभी तक उनके साथ है। तो आप लोगों को खुशी है कि? बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत 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 ज़्यादा खुश है। मैंने सुना है कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता ही है, पास हो जाए तो भी दुख होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत खुशी की बात है कि वो जिला का, बिहार का और देश का नाम रोशन करे और इंडिया टीम में खेले जाकर, बहुत खुशी की बात है।